हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संजय तिवारी एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल संजय ट्यूटोरियल्स पे फिर स्वागत करता हूं। और फिर एम कॉम एंट्रेंस एग्जाम्स में एक नए सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम्स में आएंगे इनकम टैक्स के साथ जुड़ने जा रहा हूं। अब तक मैंने अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स दो पे वीडियो बना दिया, अब मैं यहां पे इनकम टैक्स देने जा रहा हूं, इसके भी दो वीडियोस होंगे। आइए देखते हैं क्या है आपके सामने। देखिए यहां पे, ठीक है, ये क्या है आपका, देखिए एम कॉम एंट्रेंस एग्जाम्स। और इस पर जो ये देखिए, ये इनकम टैक्स है, और इनकम टैक्स में कौन सा है, पेपर वन है। ठीक है, आइए देखता हूं। पेपर वन में आपका इनकम फ्रॉम सैलरी तक का होगा, उसके बाद अदर हिट्स वहां जाएंगे। द प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट, इस समय इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट कौन सा चल रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये देखिए, इनकम टैक्स एक्ट 1961, इस समय प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट कौन सा चल रहा है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, आइए इनकम टैक्स, बिजनेस टैक्स, प्रोफेशनल, डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स वॉज डिवाइड इन इंडिया फर्स्ट टाइम, इनकम टैक्स ब्रिटिशर्स जब यहां रूल कर रहे थे तो 1860 में लगाया गया जेम्स विल्सन के थ्रू। किसने लगाया टैक्स, जेम्स विल्सन ने। इनकम टैक्स वॉज डिवाइड फर्स्ट टाइम 1860, जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 का, जिसमें मंगल पांडे वगैरह लीड किया था, तो उसी के तुरंत बाद इस इनकम टैक्स को लगाया गया था। इनकम टैक्स रेट आर फिक्स, इनकम टैक्स रेट हर साल जो फाइनेंस एक्ट, जो हमारा बजट आता है, उस बजट में जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो होती है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो उसको पेश करते हैं। तो इनकम टैक्स रेट फाइनेंस एक्ट से बताए जाते हैं। अंडर इनकम टैक्स एक्ट, पर्सन अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में, पर्सन में इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, BOI, कंपनी, एवरी अदर पर्सन, आई मीन आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, सब आते हैं। तो इंडिविजुअली पर्सन में आता है, HUF भी, कंपनी भी, यानी कि ये सब पर्सन के पार्ट्स हैं। किस सेक्शन में, अंडर सेक्शन 2 और सब सेक्शन 31, किस, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। सम ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम को हम ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं, और ग्रॉस टोटल इनकम के बाद टोटल इनकम निकाला जाता है और उसी पर टैक्स लगाया जाता है। द पीरियड ऑफ असेसमेंट ईयर 12 महीने का होता है, जो हर साल 1 अप्रैल को स्टार्ट होकर 31 मार्च को खत्म होता है। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हमारा असेसमेंट ईयर होता है। ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च इमीडिएटली प्रायर टू असेसमेंट ईयर इज कॉल्ड, यानी असेसमेंट ईयर जहां खत्म होता है ना 31 मार्च, ठीक उसके पहले वाले ईयर्स को हम लोग कौन से ईयर कहते हैं, प्रीवियस ईयर कहते हैं। ठीक है ना, यानी असेसमेंट ईयर के ठीक पहले वाले वर्ष को हम लोग प्रीवियस ईयर कहते हैं। और इनकम टैक्स में जो टैक्स लगता है ना, वो प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम पे लगता है। हु कंट्रोल द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ये सबसे बड़ी बॉडी है इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने CBDT एक बॉडी बना रखी है जो सारा काम करती है, जो सर्कुलेशन, नोटिफिकेशन, सारे रूल्स वगैरह CBDT बनाती है, यही कंट्रोल करती है। असेसमेंट SSC मीन्स, SSC कौन होता है, जनरली SSC अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 में क्या कहा गया, SSC जनरली हम समझते हैं वह पर्सन जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है, लेकिन नहीं, SSC तो वह है ही जो टैक्स पे करने के लिए लायबल है। उसके अलावा वो सारे लोग जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकम टैक्स के दायरे में आ जाते हैं, वो भी SSC मान लिए जाते हैं। कोई टैक्स चोरी कर रहा है तो वो भी SSC हो जाएगा। मिस्टर एक्स के डेथ पे उनके इनकम टैक्स उनका बेटा देगा तो वो भी SSC मान लिया जाएगा। तो SSC लायबल टू पे टैक्स ऑन हिज इनकम, सही है। फेल टू पे द टैक्स ऑन टाइम, जो टाइम पे टैक्स देगा वो भी SSC है। लायबल टू पे टैक्स ऑन बिहाफ समवन, ए भी, यानी ये सब SSC में कॉल किए जाते हैं। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इनकम टैक्स एक्ट में, 298 सेक्शंस हैं, 298 सेक्शंस। फॉलोइंग परसेंटेज इन टी, एग्रीकल्चर इनकम में कुछ ऐसे क्रॉप्स फसल हैं जिससे होने वाली इनकम 100% एग्रीकल्चर नहीं होती है, कुछ एग्रीकल्चर होता है, कुछ नॉन एग्रीकल्चर होता है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम जिसको बिजनेस इनकम मानते हैं तो वहां चला जाता है। कह रहा है कि चाय, टी,
टी प्रोडक्शन से जो आप साल भर में कमाए हैं ना, चाय को उगा के जो कमाए उसमें 60% एग्रीकल्चर इनकम होता है और 40% नॉन एग्रीकल्चर इनकम होता है. इनकम फ्रॉम कॉफी मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन डिवाइडेड. कॉफी अगर आपने उगाया है, कॉफी उसको अगर बेचा है, तो कॉफी से होने वाली इनकम भी पार्टली एग्रीकल्चर है, पार्टली नॉन. इसमें 75/25 का रेशियो होता है, यानी कि 75 एग्रीकल्चर इनकम होता है और 25 नॉन एग्रीकल्चर होता है. इनकम फ्रॉम रबड़. रबड़ में 65% एग्रीकल्चर इनकम होता है और 35% नॉन एग्रीकल्चर. देखिए 65 का ऑप्शन यहाँ है, तो ये रबड़ के अगर आप रबड़ को उगा के बेच रहे हैं तो जितना भी रबड़ के बिजनेस से आप कमाएंगे, रबड़ वो करेंगे बना के बेचेंगे, तो उसमें 65% एग्रीकल्चर इनकम होगा और 35 नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा. हाउ रेजिडेंशियल स्टेटस इज क्लासिफाइड. इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप इंडियन हो, आप फॉरनर हो, इससे मतलब नहीं. टैक्स हर कोई देगा जो इंडिया में इनकम ऑन हो, रिसीव कर रहा है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरनर हो. तो इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट में एक पोजिशन है जिसको कहते हैं कि जब हम आपकी टोटल इनकम निकालेंगे तो हम आपका स्टेटस चेक करेंगे. स्टेटस जिसको हम कहते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी टोटल इनकम निकालने से पहले जिस इनकम पे टैक्स लगाया जाएगा उस इनकम निकालने से पहले आपका रेसिडेंस पता किया जाएगा. रेसिडेंस में आप हो सकते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट एक, आप हो सकते हैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट दो, आप हो सकते हैं नॉन रेसिडेंट तीन. यानी टोटल इनकम निकालने से पहले आपका रेसिडेंस पता किया जाएगा और ये रेसिडेंस ईयर टू ईयर चेंज भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है. तो क्या क्या हो गया, ओआर, एनओआर और एनआर, ये तीन ही में से कोई एक होगा आपका. ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, आइए खोजिए. देखिए ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन, यही हमारा आंसर हो जाएगा कि इनकम टैक्स में कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस क्लासिफाई किया गया. एवरी ईयर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एनएसएससी, हर साल इसमें बदल भी सकता है, सेम भी, मे बी चेंज हो सकता है. अ कंपनी डज नॉट बिकम द फॉलोइंग इन द प्रीवियस. एक इंडिविजुअल ओआर हो सकता है, एनओआर हो सकता है, एनआर हो सकता है, एचयूएफ भी ओआर हो सकती है, एनओआर हो सकती है, एनआर. बट उसके बाद जितने भी एसएससीज हैं, कंपनी, फर्म, ठीक है, क्या बोलते हैं, एवरी अदर पर्सन, ये सिर्फ या तो रेसिडेंट होंगे या तो नॉन रेसिडेंट होंगे, एनओआर नहीं होंगे. यानी कंपनी कभी भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो सकती. यानी कंपनी ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकती है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो सकती. इनकम received in India or deemed to be received in India is taxable. अगर इनकम को भारत में रिसीव किया है या भारत में रिसीव माना गया है तो आप कोई हो आप टैक्स देंगे, चाहे आप ओआर हो चाहे एनओआर हो चाहे नॉन. ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी, यानी ऑल, यानी अगर कोई भी इनकम जो इंडिया में रिसीव हुआ है या डीम्ड टू बी रिसीव हुआ है, ऐसी इनकम में सब लोग टैक्स देंगे, चाहे ओआर हो चाहे एनओआर हो चाहे एनआर. इनकम accruing इन इंडिया, भारत में अगर आपने कोई इनकम कमाया है, भले आप उसको भारत में प्राप्त करें या विदेश से प्राप्त करें, इस पर भी सब टैक्स देंगे, चाहे ओआर हो चाहे एनओआर हो चाहे एनआर हो. इस पर ओआर भी देगा, एनओआर भी देगा, एनआर भी देगा, सब लोग उस पर टैक्स देंगे, ठीक है. हाउ मेनी बेसिक कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड बाय इंडिविजुअल इज ऑर्डर टू कॉल रेसिडेंट. यानी रेसिडेंट कहलाने के लिए क्या करना होगा, कम से कम एक बेसिक कंडीशंस पूरा करना होगा, कम से कम एक बेसिक कंडीशन. हो सकता है दोनों भी करते हैं आप, तो बोथ द बेसिक कंडीशन जरूरी नहीं है, एनी वन ऑफ बेसिक कंडीशन जरूरी है. यानी कि एक आपको रेसिडेंट कहलाने के लिए कम से कम एक बेसिक कंडीशन पूरा करना क्या है, जरूरी है, ठीक है. If an individual do not fulfill both the basic condition, he is called, अगर individual कोई basic condition पूरा नहीं करता है तो उसको हम लोग residential status में non-resident कहते हैं, अनिवासी, non-resident अनिवासी. Interest on single saving accounts in post office is exempt. अगर आपने post office में saving accounts खोला है, जितना ब्याज आपका एक साल में बना है, अगर individual एक व्यक्ति के नाम से अकाउंट है तो 3500 रुपए एक साल का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा, और ज्वाइंट अकाउंट है तो 7000 रुपए. तो यहां पे पूछा है पोस्ट सिंगल के लिए पूछा है, तो 3500 रुपए तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा, 3500 के ऊपर होगा टैक्सेबल होगा.
टैक्स फ्री इनकम फ्रॉम फॉलोइंग, कौन सा इनकम इसमें से टैक्स फ्री होता है? फॉरेन अलाउंस टैक्स फ्री है, शेयर फ्रॉम एचयूएल से मिलने वाला इससे टैक्स फ्री है, एग्रीकल्चर, यानी ये सब आपका एग्जेम्प्ट है टैक्स से. इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड एग्जेम्प्ट, अगर माइनर कोई है जो इनकम कमा रहा है तो उसकी इनकम जब उसके पेरेंट्स की इनकम में जोड़ी जाएगी तो 1500 रुपए की छूट मिलेगी. तो इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड एग्जेम्प्ट अप टू रुपीज 1500. चिल्ड्रन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट. चिल्ड्रन अगर कोई इंप्लॉई है और उसका बच्चा कहीं पढ़ रहा है और उसका इंप्लॉयर उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रहा है तो 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट होगा, मैक्सिमम दो बच्चों के लिए. खोजिए 100 रुपए पर मंथ टू चिल्ड्रेन, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम ऑफ टू चिल्ड्रेन, ये होगा आपका, यानी 100 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट है मैक्सिमम दो बच्चों के लिए. मैक्सिमम एग्जेम्पशन फॉर कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम वॉलंटरी रिटायरमेंट, अगर कोई इंप्लॉई टाइम से पहले रिटायरमेंट ले रहा है, वीआरएस बोलते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, अगर आपने वीआरएस ले लिया है तो आपको 5 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन क्या होगा मिलेगा. मील फैसिलिटी एग्जेम्प्ट, अगर आपका इंप्लॉयर आपको कैंटीन में खाना खिलाता है और उसका कोई चार्ज आपसे नहीं लेता है तो जब वैल्यूएशन किया जाता है तो पर मील 50 रुपए तक का खाना एग्जेम्प्ट है, और आप 80 रुपए खाना खाए हैं तो 30 रुपए टैक्सेबल माना जाएगा, यानी 50 रुपीज पर मील तक एग्जेम्प्ट है. ठीक है, मैक्सिमम एग्जेम्प्ट अमाउंट ऑफ इनकैशमेंट ऑफ ऑन लिव्स बाय एम्प्लॉई, अगर एक एम्प्लॉई छुट्टियों के दिन काम करता है और उसको जितना पैसा मिलता है उसमें 3 लाख रुपए एग्जेम्प्ट होगा, यानी इनकैशमेंट ऑफ ऑन लिव, छुट्टियों के दिन काम किए गए का जो पैसा मिलता है उसमें 3 लाख रुपए एग्जेम्प्ट होता है. अमाउंट रिसीव फ्रॉम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, मतलब आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मतलब आरपीएफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज एग्जेम्प्ट. आरपीएफ या एसपीएफ, इंस्टीट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक इंप्लॉई जब रिटायर होता है उसको पीएफ का सारा पैसा मिलता है, चाहे वो एसपीएफ हो चाहे वो आरपीएफ हो, जितना अमाउंट मिलेगा सब एग्जेम्प्ट होगा, यानी होल अमाउंट इज एग्जेम्प्ट. विच ऑफ फॉलोइंग रिलेशनशिप आर एसेंशियल इन ऑर्डर टू टैक्स इनकम फ्रॉम सैलरी, कौन सी इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी में आती है? वह इनकम इनकम फ्रॉम सैलरी में आती है जहां इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशनशिप हो, इंप्लॉय पा रहा हो और उसका मालिक दे रहा हो. तो कौन सा रिलेशन? इंप्लॉयर और इंप्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए. इफ द एसएससी इज लिविंग इन ओन हाउस एचआरए, अगर आप अपने ही घर में रह रहे हैं और अपने मालिक से आप हाउस रेंट अलाउंस ले रहे हैं तो इस केस में हाउस रेंट अलाउंस जनरली पार्टली टैक्सेबल होता है, पार्टली एग्जेम्प्ट होता है, बट आप अपने ही घर में रह के आप एचआरए ले रहे हैं तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा. क्या हो जाएगा? फुली टैक्सेबल हो जाएगा. विच ऑफ फॉलोइंग एग्जेम्प्ट, कौन एग्जेम्प्ट है? मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट नहीं है, फॉरेन अलाउंस एग्जेम्प्ट है, डीएनएस अलाउंस टैक्सेबल है, यानी कि फॉरेन अलाउंस फुली एग्जेम्प्ट है. चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस एग्जेम्प्ट अप टू पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस एग्जेम्प्ट है. द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट कम्स इन टू फोर्स, ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 है, कौन सा है? 1972 है. मैक्सिमम एग्जेम्प्ट लिमिट ऑफ ग्रेच्युटी फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाली ग्रेच्युटी फुली एग्जेम्प्ट है, बट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाली ग्रेच्युटी 20 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है. इन इनकम टैक्स रेगुलर पेंशन इज टैक्सेबल, एम्प्लॉय जब रिटायर हो जाता है रिटायरिंग पर मंथ पेंशन पाता है, वह पेंशन चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सबके लिए टैक्सेबल होगा. गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन बोथ दोनों के लिए क्या होगा? आपका टैक्सेबल होगा. ग्रेच्युटी रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलने वाली सारी ग्रेच्युटी क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, फुली एग्जेम्प्ट होगा. सैलरी रिसीव बाय एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी एमपी एमएलए एमएलसी एमपी एमएलए एमएलसी को मिलने वाला सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है, क्योंकि एमपी एमएलए एमएलसी एम्प्लॉय नहीं होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको हम चुन के भेजते हैं तो दे आर नॉट एम्प्लॉय, इसलिए एमपी एमएलए एमएलसी को मिलने वाली सैलरी इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है. किस हेड में जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में. इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जब एक एम्प्लॉय का
सैलरी से पर मंथ पैसा कट के पीएफ में जमा होता है, उतना ही उसका मालिक अपने तरफ से जमा करता है, तो उसमें ब्याज ही मिलता है। ब्याज का रेट कुछ भी हो सकता है। क्या ये ब्याज जो इंप्लॉय का बनता है ईयरली, क्या ये टैक्सेबल होता है? हाँ, आरपीएफ में 9.5% तक इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। यानी कहां तक एग्जेम्प्ट? एग्जेम्प्ट अप टू 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। गिफ्ट टू इंप्लॉयज, अगर इंप्लॉयर अपने इंप्लॉय को 5,000 रुपए तक का गिफ्ट पे करता है तो एग्जेम्प्ट होगा। द डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस इज एप्लीकेबल टू, जो एंटरटेनमेंट अलाउंस इंप्लॉय पाता है उसका डिडक्शन मिलता है। तीन कंडीशन है, पहला गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, दूसरा सिर्फ गवर्नमेंट इंप्लॉय को मिलता है, नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय को नहीं मिलता। यानी हमारा आंसर किस इंप्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है? गवर्नमेंट इंप्लॉय को। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस ओन्ड बाय इंप्लॉयर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉयज विथ अबव 25 लाख पॉपुलेशन, अगर इंप्लॉयर ने अपने इंप्लॉय को रहने के लिए मकान दिया है और वो मकान ऐसे शहर में है जिसका पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, तो 25 लाख से ज्यादा वाले पॉपुलेशन के शहर में मकान मिला है तो आपके सैलरी का 15% वैल्यूएशन होगा। कितना परसेंट? 15%। अगर पॉपुलेशन 10 से 25 लाख के बीच में है तो 10%, और पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 7.5% सैलरी का वैल्यूएशन होगा रेंट फ्री हाउस का। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस ओन्ड बाय इंप्लॉयर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय लेस देन 10 लाख, अगर इंप्लॉयर ने आपको मकान दिया ऐसे शहर में जहां की जनसंख्या 10 लाख से कम है, इस केस में 7.5% सैलरी वैल्यूएशन माना जाएगा मकान का। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16(2), ठीक है, इज लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होता है वो कितनी छूट मिलती है? 5,000 रुपए मैक्सिमम छूट मिलेगी। एक तो 5,000 रुपए लिमिट हो जाए, 20% आप बेसिस सैलरी लेते हैं, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ये तीन लेते, इन तीनों में जो सबसे कम होगा विच एवर इज लेस, क्लियर है? इन तीनों में जो सबसे कम होगा वो क्या होगा? डिडक्शंस अलाउड होगा। किन तीनों में? 5,000, 20% ऑफ बेसिक सैलरी और एक्चुअल अमाउंट ऑफ इन तीनों में जो कम होगा वो क्या होगा? आपका डिडक्टिबल अमाउंट होगा। इस क्वेश्चन में इन सबको सारी चीजों को मिलाकर किया जाएगा, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन हमारे ख्याल से होना चाहिए विच एवर इज लेस, जो तीनों में क्या होगा? कम होगा। इसका हम यहां चेंज कर देते हैं, यहां ऑप्शन होगा विच एवर इज लेस, यानी क्या डिडक्शन मिलेगा? जो तीनों में क्या होगा? कम होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट आते हैं। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस ओन्ड बाय इंप्लॉयर इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय 10 से 25 लाख के बीच पॉपुलेशन वाले शहर में अगर आपको मालिक ने आपको मकान दिया है तो इस केस में 10% ऑफ सैलरी वैल्यूएशन होगा। कितना परसेंट? अब देखिए, अगर मैं कहूं कि लेस देन 10 लैक्स तो इस केस में 7.5% वैल्यूएशन होगा। 10 to 25 लैक्स इस केस में 10% वैल्यूएशन होगा, और एवब 25 लैक्स पॉपुलेशन तो यहां पे 15% ऑफ सैलरी होगा। ये रूल्स है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, एक इंप्लॉई का जो सैलरी का सारा इनकम जोड़ा जाता है वो ग्रॉस सैलरी होता है, और ग्रॉस सैलरी से डिडक्शंस मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शंस। और ये कितना मिलता है? 50,000 रुपए मैक्सिमम, यानी एसडी कितना मिलेगा? 50,000 रुपए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू ब्लाइंड इंप्लॉय टू मीट हिज एक्सपेंडिचर फ्रॉम पर्पज ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन प्लेस टू हिज रेजिडेंशियल प्लेस ड्यूटी, अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो मिल रहा है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए, वो जनरल के लिए 1600 रुपए है और ब्लाइंड्स के लिए 3200 पर मंथ क्या होता है? एग्जिट होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। अंडरग्राउंड अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू 800 पर मंथ,
अगर आप ऐसी जगह रह के काम कर रहे हैं जो अंडरग्राउंड है, अंडर सरफेस है, तो उस इंप्लॉय को अलग से एक अलाउंस मिलता है, अंडरग्राउंड अलाउंस, माइंस में आप काम कर रहे हैं, डेंजरस है काम करना, वहां आपको मिलेगा और उस अलाउंस का 800 पर मंथ एग्जिप्ट होगा। सैलरी इंक्लूड, सैलरी में वेजेस शामिल है, पेंशन शामिल है, कमीशन, सैलरी में सब आता है। लीजिए, 51 क्वेश्चन हो गए। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर इंप्लॉयर इज रुपीज 1200 पर मंथ पर चाइल्ड, फॉर इंप्लॉई टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फ्री एजुकेशन टू हिज चाइल्ड सेल भी। अब आई देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझा दे आपको। इंप्लॉयर ने इंप्लॉई के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था कर दी है, खुद स्कूल खोल दिया है या किसी स्कूल से टाई अप कर लिया और अपने इंप्लॉई से कहा अपने बच्चों को भेज दो, पढ़ेंगे, मैं पैसा दूंगा। अगर पर मंथ एजुकेशन का खर्चा 1000 रुपए से कम है तो पूरा एग्जेम्प्ट, यानी मालिक अपने इंप्लॉई को, मालिक अपने इंप्लॉई के बच्चों को जहां पढ़ा रहा है, अगर पर मंथ खर्चा 1000 रुपए तक है तो फुली एग्जेम्प्ट, अगर पर मंथ खर्चा 1000 रुपए से ज्यादा है तो फुली टैक्सेबल, यानी यहां कितना टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा 1200 पर मंथ। क्या पूछा पड़ेगा? फॉर इंप्लॉई टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फ्री एजुकेशन टू चाइल्ड 1200 पर। कब एग्जेम्प्ट होगा? जब एजुकेशन की कॉस्ट 1000 तक होगी तो पूरा एग्जेम्प्ट। अगर एजुकेशन की कॉस्ट पर मंथ इंप्लॉयर के लिए 1000 रुपए से ज्यादा होगी तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, यह था हम लोग का इनकम टैक्स 50 क्वेश्चन, जिसमें हम सैलरी तक आ गए। एक वीडियो और लेके आएंगे जिसमें चार हेड, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस ऑपरेशंस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, और भी जो डिडक्शंस हैं, फिर से कैरी फॉरवर्ड है, टैक्स के बारे में, वो सब एक वीडियो और लेके आएंगे, उससे हो जाए। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चंस को लेके कंफ्यूज हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर बहुत जल्दी इनकम टैक्स 2 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।